जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हमारा भूगोल का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें ये बताया था कि हमारा भूगोल का सिलेबस क्या रहेगा और भूगोल की पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर हम भूगोल या फिर जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्यों भूल जाते हैं, मैंने उसी का समाधान किया है अपने लास्ट वीडियो में। तो उसको जाकर पहले देखिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा, जिससे आप लोगों को एक बेहतर समझ आएगी आज की क्लास की। देखिए, आज हमारा भूगोल का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड हम किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल परिभाषा है, कह सकते हैं कि हम अपने आसपास जो भी देखते हैं सब क्या है, ब्रह्मांड है। जैसे आसपास धरती के ऊपर जो भी दिखाई दे रहा है, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, ग्रह हो गए, सब क्या ब्रह्मांड का हिस्सा है। अर्थात हम कह सकते हैं सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के समृद्ध स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, राइट। तो फिर बात आते हैं कि फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, पहली बात तो ये होती है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के अध्ययन को आसान बनाने के लिए दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तो फिर पूछेंगे तो कौन से दो भाग है वो। पहला है पृथ्वी के आसपास का वह हिस्सा जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो पहला है वायुमंडल और दूसरा है अंतरिक्ष। तो ब्रह्मांड के दो भाग हो गए कौन कौन से, पहला हो गया आपका वायुमंडल और फिर हो गया अंतरिक्ष, ऐसे अध्ययन करेंगे। लेकिन अब बात आते हैं कि फिर ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कभी ना कभी हुई होगी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हुआ क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के अनेक विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। कोई भी जो भी आता है, क्योंकि अभी तक कोई देखा तो है नहीं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि अरबों वर्ष पहले की बात है ये। तो वे क्या करते हैं, अपने अपने एक सिद्धांत दिए। तो उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो है आपका बिग बैंग सिद्धांत। तो आज हम उसी की बात करने वाले बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। इसके अलावा यदि टाइम आज बचेगा तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम ये भी बात कर लेंगे कि इस बिग बैंग सिद्धांत के अलावा और कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। तो पहले आइए देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। तो बिग बैंग सिद्धांत देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि विद्वान हमारे क्या कहते हैं इस बारे में। विद्वानों का मत ये है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड जैसा आज दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं था। जितने भी पदार्थ थे सारे पदार्थ एक बिंदु पे केंद्रित थे और उसी को बिंदु को कहा जाता था सिंगुलैरिटी, राइट। यानी कि जितने भी पदार्थ थे एक बिंदु पे केंद्रित थे और उसे क्या कहा जाता है, सिंगुलैरिटी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि फिर ये एक बिंदु पे कैसे केंद्रित थे, क्योंकि जो इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो ग्रेविटी थी वो क्या थी, अनंत थी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति अनंत होने की वजह से यहाँ का जो घनत्व था, घनत्व भी क्या था, अनंत था, जिस कारण से यहाँ पे अनंत ऊर्जा थी। और कुछ कारणवश क्या होता है, इसमें महाविस्फोट होता है और महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांडीय पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो पहला तो ये बनता है कि ब्रह्मांडीय पदार्थों में उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले किस चीज की उत्पत्ति होती है। तो जब इसमें महाविस्फोट होता है और महाविस्फोट होने के बाद इसमें सबसे पहले तीन चीजों की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, और वो है सबसे पहले तो जन्म होता है पदार्थ का, मैटर का जन्म होता है, उसके बाद फिर जन्म होता है समय का, और फिर उसके बाद जन्म होता है स्थान का। यानी समय का जन्म कब हुआ था, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तभी समय का भी जन्म हुआ था। तो फिर अब आप पूछेंगे सर समय का जन्म कैसे हुआ था। तो देखिए, हुआ क्या था, जब इस एक बिंदु में जब महाविस्फोट हुआ था तो कई सारे पदार्थों में विभाजित हो गया था, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, पदार्थों की उत्पत्ति हुई। एक पदार्थ क्या होता, महाविस्फोट हुआ तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से दूर जाने लगे बहुत ही तेजी से। तब मानिए कि ये पदार्थ यहां से उठ करके यहां पे जाता है तो क्या यहां से यहां तक जाने कुछ समय लगा होगा, और वहीं से क्या होता है, समय की उत्पत्ति होती है। और फिर क्या हुआ, ये पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और स्थान की उत्पत्ति होती है। तो क्या होता है, महाविस्फोट के बाद सबसे पहले तीन चीजों की उत्पत्ति होती है, पदार्थ की, समय की और स्थान की। जब इन तीन चीजों की उत्पत्ति हो जाती है उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है,
मूल कणों की उत्पत्ति होती है। तो फिर बात आती है मूल कण कौन से हमारे, तो मूल कणों में जब उत्पत्ति होती है तो वो तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो यहीं से आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। जो कि महाविस्फोट हुआ था तो बहुत ही गतिशील थे ये, और उस समय क्या था, ऊर्जा तो इसमें बहुत ज्यादा था तो ये बहुत ही सर्वाधिक गतिशील थे, और गतिशीलता होने की वजह से क्या थे, कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या हुआ, तापमान कम हुआ, और तापमान कम हुआ तो ये क्या हुए, आपस में जो तीन कण थे वो एक पास है। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई तन्हा रहता है तो कोशिश करता है कि तन्हा रहने से बेहतर है किसी के साथ मिल करके रहा जाए, और यही तीनों कण ये काम किए, और तीनों कण मिलने के बाद क्या हुआ, निर्माण किए पहला एटम का। एटम का निर्माण होता है, और एटम का निर्माण जब होता है तो वहीं से उत्पत्ति होती है किसकी, हाइड्रोजन की। और आपको पता है कि जब हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है और कुछ समय बाद हाइड्रोजन के बादल बन जाते हैं, और वहीं से निहारिकाओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। फिर हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद धीरे धीरे क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में हाइड्रोजन के अणु एक पास आते हैं, और पास आने से क्या होता है, इनमें धीरे धीरे नाभिक संलयन की क्रिया शुरू होती है, और हमें मिलता है अपना पहला तारा। और उसी के तारे के साथ हमें इस दुनिया को प्रकाश मिलती है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये तारे असंख्य जो हाइड्रोजन होते हैं एक पास आते जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं, कई सारे तारों की उत्पत्ति होती है। अब तारे भी हैं, तारे भी तन्हे थे, तो तारा जब तन्हा थे तो तारा कैसे रहते, तो तारा हुआ कि तारा भी एक पास आने लगे, और तारा जब पास आने लगे तो वहां से निर्माण होता है किसका, जब तारे के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी, और वहीं से क्या होती है, गैलेक्सी का निर्माण शुरू होता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गैलेक्सियां हुई, गैलेक्सियां अलग रही, फिर गैलेक्सियां बोले कि हम भी एक समूह में रहेंगे, और जब गैलेक्सी समूह में रहने शुरू की तो उसी गैलेक्सी को समूह को क्या कहा गया, उसे कहा गया सुपर क्लस्टर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपर क्लस्टर क्या है, आप देखेंगे तो यूपीपीसीएस में 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया था कि सुपर क्लस्टर क्या होता है। तो सुपर क्लस्टर क्या होता है, जो गैलेक्सी होती है तो कुछ गैलेक्सियों के समूह को क्या कहा जाता है, सुपर क्लस्टर कहा जाता है। तो फिर अब बात आती है कि इसके बाद हम कैसे विश्वास करें, क्या इसका कोई एविडेंस है क्या कि हम विश्वास करें कि ये हुआ होगा। देखिए होता क्या है, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनेगा कि इस सिद्धांत को, जो बिग बैंग सिद्धांत है, इसको दिया किसने था, तो बिग बैंग सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय ने पहली बार इस सिद्धांत को दिया था, लेकिन इस सिद्धांत को देने के बाद बहुत समय तक इस सिद्धांत पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था। फिर आता है 1967 का समय, जिस समय एक और बहुत ही महान वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है वेगनर। तो वेगनर महोदय ने क्या किया, इस सिद्धांत पे अपनी सहमति जताई और बताया कि हाँ ये सिद्धांत सही है, और तब से जाकर के ये सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और तब से चर्चा का विषय बन जाता है। उसके बाद एक और नाम आता है कि ऐसा एविडेंस क्या प्रस्तुत किया गया जिससे माना गया कि हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी। एक नाम आता है एडविन हबल महोदय का। हबल महोदय ने एक दूरबीन बनाया और उस दूरबीन से देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, कैसे हम समझेंगे, क्योंकि हो क्या रहा था, आकाश गंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ रही थी। आकाश गंगा के बीच की जब दूरियां बढ़ रही थी, तारों के बीच की दूरियां बढ़ रही थी, तो यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि आज यदि उनके बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, तो कभी कोई ऐसा समय रहा होगा जब ये सभी एक पास रहे होंगे, और यहीं से इसको प्रमाणिकता मिल जाती है कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा, और इसीलिए इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि आप एक गुब्बारा लीजिए, उस गुब्बारे पे कुछ डॉट डालिए 1, 2, 3, 4 करके, जैसे कि आपने मान लीजिए कि ये क्या हुआ, एक गुब्बारा हो गया, ठीक है, इस पे हमने कुछ डॉटे डाल दिया। अब इस गुब्बारे में जब हम हवा भरेंगे तो क्या होगा, दो डॉट के बीच की दूरियां क्या होगी, बढ़ेंगी। वैसे ही यहाँ पे हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, कैसे पता चला कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ रही थी, और इसी से हमने अनुमान लगाया कि हाँ शायद ऐसे ही हुआ होगा, और इस सिद्धांत को क्या हुआ, प्रमाणिकता मिल गई, और तब से जाकर के सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो ये था बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। लेकिन बात यह आती है कि यदि आज हमारा ब्रह्मांड ऐसे है तो फिर भविष्य में क्या होगा, क्योंकि
ऐसा कहा जाता है कि तारों के भी जन्म होती है और मृत्यु होती है, तो जन्म और मृत्यु कैसे होती है उसकी बात हम अगली वीडियो में करते हैं। लेकिन यदि तारों की जन्म और मृत्यु होती है, ग्रहों का निर्माण होता है, तो हर एक चीज की ऊर्जा होती है, यानी कोई एक ऐसी एनर्जी है, कोई एक ऐसी ऊर्जा है जो कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार कर रही है। तो यानी कि वो ऊर्जा कभी ना कभी कोई ऐसा समय आएगा जब वह ऊर्जा क्या होगी, समाप्त होगी, वह एनर्जी समाप्त होगी। और जब ऊर्जा समाप्त होगी तो जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, ब्रह्मांड का क्या होगा, पुनः धीरे धीरे ब्रह्मांड के सारे आप एक पास आने लगेंगे। तो इसके संबंध में, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर के संबंध में दो मत है विद्वानों का। पहला जो है वो है बिग क्रंच। अब बात आती है कि बिग क्रंच क्या है। बिग क्रंच में यह बताया जाता है कि जैसे ही उस ऊर्जा की समाप्ति होगी, जिस ऊर्जा की वजह से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड फिर क्या हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और वैसे ही जैसे एक बिंदु जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता था, वहीं पर सारे पदार्थ केंद्रित थे, हो सकता है कि फिर से कुछ वर्षों बाद ऐसा ही हो जाए। ठीक है, तो ये पहला था बिग क्रंच। जो आपका दूसरा यहां पर आता नहीं है, उसमें यह कहा जाता है कि हो सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार होता जाए, निरंतर होता रहे, और धीरे धीरे क्या हो, वे सारे एक डार्क मैटर जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, धीरे धीरे वैसे ही समाहित हो जाए और इस ब्रह्मांड का क्या हो जाए, विनाश हो जाए, ब्रह्मांड समाप्त हो सकता है। तो अब फ्यूचर में क्या होगा, ये तो विद्वानों को लेकर किमत है। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, बिग क्रंच को आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यदि ब्रह्मांड कुछ अरब वर्षों बाद यदि ऐसा होता है तो ब्रह्मांड एक बार सिमट जाएगा, तो उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो वो होता है आपका बिग क्रंच का सिद्धांत। राइट, तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको आज मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे ही टाइम मिले मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.